Hello, children. Let us start our day with one inspirational quote. You can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. I repeat, you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. So, dear children, always live a disciplined life then only you will not have a regret of choosing a wrong option okay so dear children i hope you have completed your copies and you are ready with your book copy and compass. so today we are going to start with the new lesson that is patterns in our previous standards that is in standard second third fourth we have seen many patterns so in continuation with that let us study today a new concept of square numbers so what is these square numbers all these are dots now see these dots are arranged in rows and columns the number of dots in a row is equal to number of dots in a column so, <coughs> so they are having number of rows and number of columns equal same way here same way here so here two rows two columns three rows three columns four rows four columns five rows five columns and six rows six columns इन ऑल द अबो फिगर्स द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच कॉलम अगर यहाँ पे मैं डॉट्स निकालती तो आप दिख नहीं पाते थे उसको प्रॉपरली इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल निकाला है बट आपको यहाँ पे सर्कल की जगह पे डॉट्स निकालने हैं ठीक है ठीके? यहाँ पे डॉट्स निकालने सब जगह सारे बॉक्सेस में आपको सर्कल की जगह पे डॉट्स निकालने हैं सो इन ऑल द अबव फिगर्स द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच

एंड इफ आई कंटिन्यू विद द सेम जो मैंने ड्राॅइंग ड्रॉ नहीं की है बट अगर मैं सेवन रोज और सेवन कॉलम्स निकालूंगी तो सेवन सेवन जोटी नाइन डॉट्स वहां पर होंगी ओके सो टू मेक अ स्क्र इच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रो नीड्स टू हैव एन इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स सो स्क्र निकालने के लिए नंबर ऑफ डॉट्स इन रो एंड इन कॉलम मस्ट बी इक्वल अदरवाइज दे विल नॉट फॉर्म अ स्क्र स्क्वेयर बनेंगे क्या नहीं

फोर से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आएगा उससे हम स्क्वेयर बना पाएंगे ओके सो इफ वी टेक अ नंबर ऐसा कोई नंबर लिया जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो नंबर आएगा उससे हम स्क्वेयर अरेंजमेंट बना पाएंगे वी कैन मेक और वी कैन पुट द डॉट्स इन अ स्क्र अरेंजमेंट सो फोर डॉट्स रोज में फोर डॉट्स कॉलम से अगर मैंने अरेंज किया तो इट विल फॉर्म अ स्क्र

वो बना बना पाएंगे क्या स्क्वेर? नहीं दिस मीन्स दैट देर इज नो नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ टू मेक फोर्टी मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर फोर्टी आएगा ओके देर फोर फोर्टी इज नॉट अ स्क्र नंबर सो यहाँ नॉट अ स्क्र नंबर कैसे निकाला बिकॉज सिक्स है और सेवन सेवन फोर्टी सो थर्टी सिक्स और फोर्टी नाइन के बीच में माने मुझे पता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए तो सिक्स के बाद तो सेवन ही आएगा सो so, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई नंबर नहीं है इन बिटवीन कि जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर फोर्टी आएगा

सिक्स का होगा थर्टी सिक्स सेवन का होगा फोर्टी नाइन एट का होगा सिक्सटी फोर है ना एट एट सिक्सटी फोर होता है कि नहीं नाइन नाइन एट्टी वन होता है कि नहीं और टेन टेन हंड्रेड सो ओनली इतने ही सिर्फ इतने ही स्क्वेयर नंबर्स अवेलेबल है उसके बीच में जो भी नंबर आएगा दे विल नॉट बी अ स्क्र नंबर्स नो लेटेस्ट इन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैंगुलर नंबर

सी यहाँ पे कितने रोज रोजे टू रोजेस हो टू नंबर थ्री रोज है सो थ्री नंबर तक यहाँ पे फोर, फोर नंबर तक हम उनको ऐड कर रहे हैं ओके सो सो पे so, यहाँ पे कितने टोटल रोज डॉट्स रहेंगे लेटेस्ट सी यहाँ पे टोटल कितने डॉट्स है ये वन है फर्स्ट रो में वन है सेकंड रो में टू है सो वन प्लस टू विल बी थ्री यहाँ पे फर्स्ट रो में वन है सेकंड रो में टू है थर्ड रो में थ्री है सो वन प्लस टू प्लस थ्री विल बी सिक्स Here one plus two plus three plus four is equals to ten. So, here yeah, one plus two plus three plus four plus five will be fifteen. So, number of dots in each row will be one more than the previous row. Okay. So, the numbers in this arrangement are called as the triangular number. This arrangement of dots form triangles. यहाँ पे भी आपको डॉट्स निकालने सर्कल्स निकालने नहीं dots निकालने है डॉट्स निकालने हैं। दीज अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स यहाँ पे भी थ्री प्लस टू फाइव यहाँ पे भी थ्री प्लस टू फाइव ऑल द साइड्स आर इक्वल नंबर्स लाइक थ्री सिक्स टेन ट्वेंटीर नंबर्स ओके

नंबर uh, नहीं ऐसा कोई ट्रेंगल नहीं बना सकते जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल सो आर कॉल्ड एज ट्रेंगुलर नंबर्स ट्रेंगुलर नंबर्स अप टू हंड्रेड आर थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्स सेवेंटी एट नाइन्टी वन ओनली नाइन हंड्रेड तक के इतने ही ट्रेंगुलर नंबर्स अवेलेबल है यू हैव टू मेक इट रिसाइड फॉर फोर टू फाइव टाइम्स ओके ऑल दी स्क्वेयर नंबर्स एंड ट्रेंगुलर नंबर्स स्क्वेयर नंबर्स तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे बिकॉज दे ऑल आर स्क्वेयर टू टू ज़ा फोर थ्री थ्री जा नाइन आपको सबको याद ही है वो फोर फोर जिक्स टेन फाइव फाइव जी ट्वेंटी फाइव बट ओनली ट्रेंगुलर नंबर्स यू हैव टू लर्न देम प्रॉपरली सो आपको ये लर्न करके रखना है थ्री हंड्रेड तक के सारे ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज इट मे कम दैट क्वेश्चन मे कम इन द एग्जाम दैट सिलेक्ट द ट्रायंगुलर नंबर फ्रॉम द गिवन लिस्ट नंबर्स नो वी कैन फाइंड स्क्वेयर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स ऑल अस फॉर एग्जाम्पल हम सब जगह देखते हैं हमारे सराउंडिंग uh, में स्क्र और ट्रेंगुलर नंबर फॉर एग्जाम्पल इन स्टैक्ड बाउल्स और पाइप्स और ऑन ए बोर्ड एंड सो ऑन सी द एग्जाम्पल If they are stacked, हमने पत्ते का भी घर बनाया होगा ना कभी पत्ते का घर बनाया या फिर ऊपर अगर कप रखते तो वो they all form a triangular shape, okay? जैसे pipes, एक एक के ऊपर स्टैक करके रखे है मैंने, ट्रायंगुलर शेप चेस बोर्ड चेस बोर्ड में क्या होगा स्क्वेयर नंबर होगा ओके okay? सो so, यहाँ पे कितने होंगे ये फोर 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 प्लस फोर एट एट हॉरिजेंटली एंड एट वर्टिकली सो एट एट 64 squares are there in the chase board. So they all form the triangular number and square number. Now problem set 53. Find the square numbers from the list given below. So 5 is not a square. 9, 16, 64, and 81. Okay, so 9, 16, 64, and 81 are only the square numbers. Which are the triangular numbers in the given list? See.

हंड्रेड के बाद है कुछ नंबर्स बट हंड्रेड तक का सिर्फ ये अकेला नंबर है विच इज अ स्क्वेयर एज वेल एज ट्रैंगुलर ओके सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट थर्टी इज अ नंबर विच इज स्क्वेयर एज वेल एज ट्रैंगुलर इफ फोर इज द फर्स्ट स्क्वायर नंबर व्हाट इज द टेंथ वन सो फोर फर्स्ट स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है फोर टू का स्क्वायर है तो इलेवन टेंथ नंबर कौन सा आएगा टू अगर फर्स्ट हुआ

टू के बाद थ्री फोर टू अगर फर्स्ट है तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड इलेवन इलेवन इज द टेंथ नंबर अभी इलेवन का स्क्वायर निकालो इट विल बी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन इलेवन इलेवन जा वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन सो अगर फोर फर्स्ट स्क्वायर नंबर है तो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन विल भी द टेंथ स्क्र नंबर इफ थ्री इज द फर्स्ट ट्रैंगुलर नंबर विच इज द टेंथ वन थ्री इज़ द फर्स्ट ओके सो फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर इज थ्री मीन्स वन प्लस टू सो टेंथ ट्रेंगुलर नंबर इज़ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ओके सो टेंथ नंबर यहाँ पर अगर टू तक हमने लिया है सो so, यहाँ पर टू डिजिट अगर फर्स्ट है तो यहाँ पर इलेवन डिजिट हमारा टेंथ हो जाएगा ओके नाउ काउंट ऑल द नंबर यहाँ पर वन और टू यहाँ तक का वन हुआ ओके यहाँ तक वन प्लस टू अगर वन हुआ तो ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन समझ में आए आपको कैसे काउंट करना है आपको कोई भी नंबर पूछा जा सकता है जो नंबर दिया गया है जो एडिशन का नंबर दिया गया है वहाँ तक के उसको फर्स्ट काउंट करेंगे सो वन प्लस टू यहाँ तक हमको दिया है फर्स्ट काउंट सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट हो गया ठीक है उसके बाद से गिनना स्टार्ट करेंगे सो थ्री ए सेकंड हो गया ये सेकंड हो गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन यहाँ पे टेन कंप्लीट हुआ ओके okay? सो so, इस तरह से हमको काउंट करना है कि टेंथ वन का ट्रेंगुलर नंबर क्या आएगा उनको सबको एडिशन करना है एंड नाउ दिस विल बी सिक्सटी सिक्स हिन्स इफ फर्स्ट ट्रेंगुलर नंबर इज थ्री देन द टेंथ ट्रेंगुलर नंबर इज सिक्सटी सिक्स आपको इस तरह से करते आना चाहिए अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दिया है अगर मैंने फोर बोला फोर इज द सॉरी फोर तो नहीं आएगा ट्रेंगुलर नंबर नहीं है सिक्स इज द फर्स्ट ट्रैंगुलर नंबर सो सिक्स में क्या होगा यहाँ तक का आएगा सिक्स मीन्स वर्ट वन प्लस टू प्लस थ्री यहाँ तक का सिक्स आएगा ओके सो सिक्स के बाद से अगर मुझे फिफ्थ ट्रेंगुलर नंबर गिनना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ तक का फर्स्ट गाउन करूंगी फिर टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ तक का एडिशन लूंगी यहां तक का, का एडिशन लोंगे उसका जो भी माय फिफ्थ ट्रैंगुलर नंबर बिलो शो फॉर्म स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्जर्व देम देर इज नो गैप और ओपन ग्राउंड बिटवीन टू टाइल्स ओके सी दीज आर ओनली समझ गिवन दे है टाइल्स इट हाउ दे आर वर्क शोन एंड हाउ दे आर कंटिन्यूइ सो नोट द पैटर्न एंड कंप्लीट द डिजाइन यहाँ पे आपको डिजाइन कंप्लीट करनी है ड्रॉ करके कॉपीज में ओके सो इन दिस वे वी हैव सीन पैटर्न इन आर करेंट लेसन अलॉन्ग विद डेट वी हैव लर्न द न्यू कंसेप्ट ऑफ ट्रैंगुलर नंबर एंड स्क्वेयर नंबर यू हैव टू लर्न देअर कन्सेप्ट थॉरोली एंड लर्न स्क्वेयर नंबर्स एंड ट्रेंगुलर नंबर्स थॉरोली थैंक यू